सो फाइनली Redmi Note 12 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। Redmi लवर्स, खैर इतना तो आप सबको पहले ही पता चल गया होगा कि इंडिया में इसका लॉन्च कब होना है। बहुत तेज हो रहा है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं 5 जनवरी 2023 को इंडिया में इसका लॉन्च है। आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स आए थे इस सीरीज को लेकर कि ये फीचर होगा, वो फीचर होगा, फलाना ढिमकाना, बट अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी हैं। तो उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस प्राइस पर ये सीरीज होगी, क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या इस Redmi Note 12 सीरीज का आपको वेट करना चाहिए या नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले Redmi की इस Note सीरीज के अंदर आपको तीन फोन देखने को मिलेंगे, Redmi Note 12, Note 12 Pro एंड Note 12 Pro Plus, एंड ये तीनों फोन 5G होंगे। अब तीन ही फोन लॉन्च होंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना में भी इसके तीन फोन लॉन्च हुए हैं, तो उसी को तो ये फॉलो करेंगे ना भाई। इस सीरीज का जो सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है इसके पोस्टर वगैरह में वो है इसका कैमरा, या 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। एंड सही भी है यार, क्योंकि मिड रेंज में शायद ये पहली बार होगा कि हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और वो भी OIS के सपोर्ट के साथ। सो मिड रेंज सेगमेंट में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप वो भी OIS के सपोर्ट के साथ मिल रहा है, तो हाईलाइट करना तो बनता है ना यार। एंड इसमें जो सेंसर यूज होगा वो सैमसंग का आइसोसेल HPX सेंसर होगा, बट इसके अलावा जो बाकी के दो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का है। बस यहीं पे मूड खराब हो जाता है ना, देना है तो भाई ढंग के सेंसर दो या तो फिर दो ही मत। खैर ये जो 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप की बात की मैंने, ये आपको ऑब्वियसली Redmi Note 12 Pro Plus में मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा फोन है Redmi Note 12 Pro, उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा। एंड इसमें जो सेंसर यूज होगा वो सोनी का IMX766 सेंसर यूज होगा। ठीक है, अच्छा सेंसर है, इससे पहले भी बहुत सारे फोन में देखा है। एंड इसमें भी OIS का सपोर्ट मिलेगा, तो ये Redmi ने काफी अच्छा काम किया है इस बार कैमरास के ऊपर। तीसरा जो फोन है Redmi Note 12, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है, बट जो मेन हाईलाइट रहने वाले हैं कैमरा सेटअप में वो Redmi Note 12 Pro और Pro Plus ही होंगे। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है Redmi Note 12 सीरीज के अंदर। तो भाई जो Redmi Note 12 Pro है एंड Pro Plus है, इन दोनों के अंदर अगर हम चार्जिंग एंड कैमरा इनको छोड़ दें तो लगभग सारी चीजें हमें सेम ही मिलेंगी। उसी तरह से परफॉर्मेंस भी इन दोनों के अंदर सेम ही है। इन दोनों फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिलेगा। अब इस चिपसेट की बात करें तो एक डिसेंट चिपसेट इसे कह सकते हैं, एंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि पूरा खेल ऑप्टिमाइज का है। अगर ऑप्टिमाइज बढ़िया तरीके से होता है तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, एंड ऑप्टिमाइज बढ़िया तरीके से नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको कैसी मिल सकती है। उम्मीद तो है कि सही से ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छी मिल सके। इसके अलावा Redmi Note 12 की बात करें तो उसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। खैर अब बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स में जो चीज कॉमन होने वाली है उसके बारे में। जो कॉमन चीज होने वाली है इन तीनों फोन्स में वो है एमुलेट पैनल। तीनों में एमुलेट पैनल होगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बट प्राइस में डिफरेंस है तो डिस्प्ले क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी भी तीनों ही फोन्स में रहने वाली है, बट जो चार्जिंग है वो आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। Note 12 में 33 वॉट का चार्जर मिलेगा, Note 12 Pro में 67 वॉट का चार्जर मिलेगा, एंड Note 12 Pro Plus में 120 वॉट का चार्जर, एंड चार्जर भी तीनों ही फोन्स में आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे। अब सबसे मेन बात, कितना पैसा लगेगा इसको खरीदने में? तेरा घर जाएगा इसमें? नहीं, घर तो नहीं जाएगा, बट हाँ बहुत से लोगों की महीने की सैलरी चली जाएंगी। जोक सपाट, प्राइस तो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। जो Redmi Note 12 है वो कुछ 15,000 के अंदर आ सकता है, Note 12 Pro 20,000 से 22,000 तक, एंड Note 12 Pro Plus ये 25,000 से 27,000 तक लॉन्च हो सकता है। ओवरऑल देखे तो Redmi की जो Note 10 सीरीज थी उसका सक्सेसर इसे कह सकते हैं। Note 11 सीरीज मैंने इसलिए नहीं कही क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज जैसी बात नहीं थी उसमें। यही थी यार आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो।